दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक आदि क्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाइए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम नया वीडियो अपलोड करें। भाई सब्सक्राइब कर लो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। हाय हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपको बताऊंगा पासपोर्ट की फ़ीस आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी सिंपल है। एक एक स्टेप में बताऊंगा, देखो ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपने को कोई भी ब्राउज़र खोलना है, मैं मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल से मैं खोल रहा हूँ गूगल क्रोम, ठीक है। ये मैंने खोल दिया और यहाँ पे मैं सर्च बॉक्स में टाइप करूँगा अप्लाई इंडियन पासपोर्ट। ये देखो ये लिखा हुआ आ गया अप्लाई इंडियन पासपोर्ट। यहाँ पे पहली या दूसरी वेबसाइट ही होगी जो अपने ऑफिशियल पासपोर्ट की वेबसाइट है, ये फर्स्ट वेबसाइट मैं खोल देता हूँ। देखो ये वेबसाइट खुलते ही आपको राइट साइड में एक लाइंस दिखेगी, हाँ ये लाइंस राइट साइड में देखो तीसरे नंबर पे है फीस कैलकुलेटर, उसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद है सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, हमें बनाना है पासपोर्ट तो हम पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ सर्विस रीइशू चाहिए कि फ्रेश, हम लेंगे फ्रेश। एप्लीकेंट की एज क्या है, 18 साल के अबाउट डालता हूँ, ठीक है। और पेजेस कितने चाहिए हमें पासपोर्ट के लिए, मिनिमम 36 और मैक्सिमम 60, तो 36 लेता हूँ। रिक्वायर्ड स्कीम फ्रेश या सॉरी नॉर्मल या तत्काल, हम लेंगे नॉर्मल। और फिर सिर्फ कैलकुलेट फ़ीस पे क्लिक कर देना है। देखो आ गई 1500 रुपये मात्र फ़ीस है इसकी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही चेक कर सकते हो। और जैसे देखो रिक्वायर्ड स्कीम में आप नॉर्मल की जगह तत्काल डालोगे तो तत्काल का कितना पैसा होता है, वो फ़ीस आ गई देखो 3500 रुपया। तो ये आप चेंज भी कर सकते हो, लेस देन 15 ईयर्स हो बच्चा है तो फिर आप उसका भी डाल सकते हो, सिर्फ कैलकुलेट फ़ीस पे डालना है, उसकी होगी 3000 रुपये। और यही आप तत्काल की जगह नॉर्मल में करोगे तो और फीस कम हो जाएगी, ये हो गए 1000 रुपये। देखा कितना सिंपल है, आप खुद ही इस चेक कर सकते हो, सीख सकते हो। अभी पासपोर्ट बनाना बहुत ही ईजी हो गया है। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ये उन लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करें जो अभी भी सोचते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए एजेंट के पास जाए। बहुत लोगों ने पासपोर्ट कैसे बनाए, कैसे अप्लाई करें उसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, तो फिर आप वो वीडियोस देखें और ये भी देखें और कैसे क्या है आप खुद ही सीखें कैसे करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप बटन दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये उन भाइयों के साथ शेयर करिए जिन्हें पासपोर्ट की थोड़ी कम नॉलेज है। आपका एक शेयर उनके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे।